बंदे का आते ना छोटा छोटा अलग देख लो कितना बड़ा है भैया, कैसा लग रहा है देखो कुछ क्या है भाई क्या हाल चाल आप सभी के, मैं आपका दोस्त अभिषेक। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई कैसे हो आप सब, आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का दिन भाई पता है क्या है, कल से मैं सोच रहा था आज क्या करता हूँ, एलेक्स के बाल कटवाने की सोच रहा था, क्योंकि भाई कल परसों से ना मेरे घर वाले पूछ बोले जा रहे इसके बाल कटवा दे, क्योंकि पापा ने क्या करा था, जो हमारा ड्रेसिंग है ना, जो मतलब जो लकड़ी का कबर्ड है उसको खिसका के हमने बाहर निकाला, तो भाई इतने बाल निकले ना एलेक्स के, टूट टूट के मतलब पीछे जा रहे के इकट्ठा हो रहे थे, और हर कोने में मतलब बाल बाल हो रहे हैं, मतलब इतने बाल थे आप एक तकिया बना लोगे इतने सारे बाल थे। तो इस टाइम तो झड़ते ही या बाल, तो घर वाले कह रहे हैं इसके बाल बाल कटवा दे, अभी अप्रैल का टाइम है, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाले, तो अभी से गंजा करा दे अभी से, क्योंकि उस टाइम तक थोड़े बहुत बाल आने लगेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने भी फिर सोचा कि चलो ठीक है अब कटवाता हूँ बाल। अब मैं सोच रहा था पहले हल्के हल्के बाल करा लूँ, पर मैंने फिर पापा कह रहे पूरा गंजा ही करा दे जैसे पहले कराता था, वैसे भी गंजा कराता ही था पहले भी, क्योंकि फिर मैं टाइम देख के कराता था कि जून जुलाई में, पर उस टाइम ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रहा था अप्रैल के टाइम पे, भाई मैंने कहा इस टाइम ही करवा दो, अब जून जुलाई तक तो ठीक ही हो जाएगा सब कुछ मैटर, क्या पता जून जुलाई तक तो और गर्मी पड़ने वाली है, तो मतलब इसके लिए ठीक रहेगा जब तक भी। तो पूरी ग्रूमिंग करवाते हैं एलेक्स की, चलो फिर चलते हैं, अपना खा ले पी लेता हूँ, क्योंकि अभी भाई मैं सो के ही उठा था जस्ट, और घर वाले कह रहे लग गए इसके बाल कटवा, मैंने कहा ठीक है भाई चला जाता हूँ रुक जाओ फिर खा, फिर मैंने सोचा और आपको भी दिखा देता हूँ पूरा दिन कैसे जाता है, और एलेक्स के बाल कटवाने पे कहाँ जा रहा हूँ, तो इसलिए फिर मैं अभी खा पी लेता हूँ उसके बाद चलते हैं ठीक है। तो वो भी खा लेता हूँ पहले, उसके बाद मिलता हूँ आपसे ठीक है। भाई ये थोड़ा परेशान हो रखा है आप करेगा, और ये जितने हैं ना बाल, बाल ही बाल है ये, अंदर से ये सूखा सा आएगा देख रहे, और भाई ये गंजा होने के बाद अरे ये सूखा पकड़ लेगा, क्योंकि फर्श पर ही बैठता फिर ये आज इसके बाल बाल उड़ेंगे गाड़ी के अंदर, इसलिए मैं नहावा भी नहीं रहा, 12:30 हो गए, 12 बजे का अपॉइंटमेंट था मेरा, क्योंकि अनुराग कह रहा था कि थोड़ा लेट चल ले यार, मैं अभी सो के उठा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट जा रहा हूँ, उसका टोपी ले लिया तो पानी पीने, अभी पानी पी ले फिर वहाँ नहीं मिलेगा, फिर बोलियो रोइयो मत, समझ में आ रहा है, ये बस घूमने के चक्कर में हो रहा है, अभी मैं गाड़ी वाड़ी ले निकाल रहा हूँ ना, तो ऐसा हो रखा है बस घूमना है, सुबह से ऐसे बोल रहे हो करा दे करा दे करा दे, अब कह रहे हो मत करा, ये भी तो परेशान हो रहा, देखो राल वाल फेंक रहा है, कितने गर्मी मिली वजह से, चलो जा रहा हूँ, चलो बाबू चलो, अनुराग भी आ गया, कौन कौन उठ आ जा, ओए पीछे पीछे कुत्ते ने काट लिया उसको, गाड़ी नहीं चलाऊ, पीठ पे कार्ड पीठ पे छेद हो रखा, कान में आर पार छेद हो गया, तो पूरा शांत हो रखा बिल्कुल, सेट हो रखा, बुखार हो गया अभी तो ठीक है, सुबह कह रहे थे नहीं वो गरम बुखार तो नहीं है, पट्टा भूल गया, भाई साहब एक मिनट अभी कौन है, आ तो जा जल्दी आ जरा, लग गया इसके लग गया इसको, तो अभी लगेगा थोड़ा टाइम, वो नहाने में टाइम लग रहा था, तो इसकी तो इसके इंजेक्शन लग गया था, तो हमने सोचा इसको छोड़ ही आते हैं, इसकी फटी पड़ी है, इसे घर छोड़ना पड़ा था, इसके तो फटी पड़ी है, वो तो अंदर जाने में डर रहा था घूमने उसमें, जैसे वो नहला रहा था ना भग रहा था इधर उधर, वो बंदे पता क्या कर रहा है इसको, इधर हो इधर से नहला रहा है, इधर से नहला रहा है, मैं इधर डर रहा हूँ कि भाई ये पकड़ डाले इसको, मैं भैया को कह रहा भैया आराम से थोड़ा आराम से, वो समझ नहीं रहा, अगर मैं बोलूंगा ना कि वो काट लेगा फिर वो
वैसे काटेगा तो नहीं, फिर भी एक डर तो है ना कि ऐसे छेड़छाड़ कर रहे हैं बड़े कुत्ते से। नहलाते टाइम तो बहुत रिस्की है भाई। और फिर वो पकड़ लेगा, वो छेड़ेगा अच्छे से तो क्या होते हैं, और फिर वापस आते हैं। अब देखो कितना टाइम लगता है उसको झेड़ाने में अलग उसको, तो चलते हैं इसको छोड़ने, इसको छोड़ने जा रहे हैं हम इसको। जैसे आ गए अब टफी को छोड़ के, अब देखते हैं अलग का क्या स्टेटस हैगा। कई दो तीन बंदे फाड़ रखे हैं अलग से, सारे पड़े हुए इधर से उधर, देखते हैं अंदर जाके। अभी भी ना आए ये कौन सी ग्रेड है? अच्छा कहते हैं ना छोटा छोटा है, छोटा है, देख लो कितना बड़ा है। वो भैया कैसा लग रहा है मेरे को किसके आगे। बंदे बोल के ना छोटा छोटा है, देख लो कितना बड़ा है, मुझे कितना लग रहा है। हेलो भागने की लगी पड़ी है, घर भाग रहे एक पैर नीचे लटका के बैठा है, कमर कितनी सी है इसकी और बाल दे रहे इसके। मैं भी यही तो बोलता वाला आया था, मैं तो दिखाता हुआ लगा कि भाई एक बार बाल कटने पे ये लोग बढ़िया बकरा दिख रहा है। बकरा ये पूरा बाल कटने पे इसका तकिया बन जाएगा, रजाई बन जाएगी इसके बाद। इसका जब भी तो कटवाया बाल वाल पे तो क्या था, वो लकड़ी का रोज हटाया ना, इतने गुच्छा निकला कि भाई तुम ना तकिया बना लोगे, तो इसलिए मेरे पापा बोल रहे भाई कटवा दे, इसका टाइम आ गया। अब गर्मी भी बहुत हो रही है, अप्रैल में इतनी गर्मी बरसने लग गई। बल बना लो इसका, ये क्या हो रहा है, गुदगुदी होती है इसकी। इंसानों की तरह कटिंग करनी पड़ती है, शरीर बड़ा आ रहा है इसलिए इंसानों की तरह ऊपर देखते हैं, हमें झुकना उकना पड़ता है। भैया की तो कमर दर्द हो जाएगी आज कैसे झुक झुक के काटना पड़ रहा है इतना, कमर दर्द होगी भैया की झुक झुक के, कहीं कहीं एलएस को फुल ट्रीटमेंट मिले जा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, बाल कट रहे हैं, पानी पी रहा है, सेवा पानी कर रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको। इतने बालों में तो कंबल बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा, इनके लिए बेड बनवा दो, बेड बनवा दो डॉग वगैरह के लिए, इसके बालों का खाना खान चल रही है तो है ना, रिसाइकल हो जाएगा सब कुछ। बर्तन वाले खर्च पड़ेगा, ये पसंद भी नहीं करेगी, लाख टपकड़ी है तेरी, अच्छा धोख का ही है ना ये तो। यही तैयार यार करके लेके जाओ। हाँ मैं तैयार दूल्हे को करूंगा, आए हम बाराती बारात लेके। ये लो लग गया, लग गया, लग गया, हो गया। वो तो क्या है, अरे बदबू मार रही है, बहुत प्रेशर दे रही है, बहुत प्रेशर है, बोल रहा हूँ, एक बार में चुप हो गया।
ये सही है, मुझे तैयार करके लेके जाऊंगा क्या है जे? किस वगैरह करी तो उसने बोल दिया कुछ सिगरेट पी के आया ये अनुराग भी बात ले रहा है अब अनुराग भी बात ले रहा है मेरा भी हो गया भैया रिबन अरे बाजू मुझे इसके मुंह पे माउथ फ्रेशनर वगैरह डीओ वगैरह सब मारा उन्होंने भाई इसकी ठीक है कि मैंने बता क्या करा मैं सोच रहा हूँ भाई कहीं लेके लेके जाऊंगा ना तो यही एक बार नहलाने ले आऊंगा माउथ फ्रेशनर वगैरह सब कुछ डाल डूल के इसमें कुछ खाते वाते हैं और घर को निकलते हैं। राजमा चावल खा रहे थे इधर मैं मतलब दिखाना भूल गया बट हमें ना याद आया हमारे ना हिचकी लगने लगी मतलब अटक गया था चावल यहाँ पे तो थोड़ा हिचकी लगने लगी हमने कहा पानी की बोतल थी तो भैया वहाँ पे पानी की बोतल भूल गया अनुराग दोबारा गया है पानी की बोतल लेने के लिए कुछ बोल रहा था कुछ आई नहीं मैं सीधा जाके ले आया ठीक है सोच रहा हूँ क्या चोरी करके ले गया हमारा तैयार हो गया ये मसाले ये ज्यादा मसाले वाला है ये ले ना भैया थैंक यू हाँ मजा आ गया मजे भी मजे लेता हूँ मजा आ गया भाई पानी पानी भाई बाय अनुराग भाई शांति आ गई चलो बाय अपन चलते हैं सोने के लिए जाओ सो और कल मिलते हैं अगर कल मौका मिला तो ओके बाय तो भैया अभी अभी घर आया हूँ मैं और मेरे पास चाबी थी तो मैं घर के अंदर आ गया एलेक्स हो रहा इसके लिए ऐसे ऐसे चला दिया मैंने ठीक है और भाई सामने मेरे हो रहा है कीर्तन मम्मी वहाँ बैठी है तो अब देखो मम्मी कब तक आएगी जब ये एलेक्स को देखेगी वो देखो वहाँ कीर्तन हो रहा है हो रहा देख लो टकले को अपने इसके परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया है पूरा परफ्यूम और क्या कहते हैं माउथ फ्रेशनर वगैरह ये रिबन लगा लू के दिया है इसको परफ्यूम वर्फ्यूम लगवा के और पूरा मेरा मुंह से स्मेल चुंगा दे मम्मी को भाप छोड़ दे मुझे वो तो मुंह पे स्प्रे मारते हैं ना ताकि वो स्मेल ना आए और डीओ वीओ लगा के आया देख लो खुशबू सूंघ लो टकले गंजे तो भाई मम्मी के आने के बाद मैं भाई के ऑफिस चला गया था क्योंकि कुछ काम था और बाकी तो अभी मैं कहीं गया नहीं उसके बाद गा के घर पे सो गया था और मेरे यहाँ पे छोटा सा फंक्शन हो रहा है कल इनके यहाँ शादी है तो वहाँ थोड़ा फंक्शन हो रहा है यहाँ छोटा सा हमें भी इनवाइट करा था पर हम गए नहीं मम्मी को इन्वाइट करा था इन्होंने कीर्तन पे तो मम्मी चली गई थी हम जा नहीं रहे मनसा नहीं कर रहा अंदर से जाने का कि चले जाए क्योंकि थोड़े से बंदे हैं ज़्यादा बंदे होते तो मैं चला जाता फिर मैं गया नहीं और बाकी ये देख लो इसको रिबन नहीं हटाने दे रिबन रिबन हटाते हट रहा है ये खोलने तो दे रिबन ये देखो आराम रिबन नहीं हटाने दे रहा रिबन में लगा पड़ा है कह रहा अच्छा लग रहा होगा इसको इसलिए हटवा दे रहा और बाकी भाई इसके बाल कटाने बहुत ज़रूरी थे क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना भाई हमसे ही नहीं झेली जा रही ये एसी भी चल रहा है ना ये भी इतना कमरा ठंडा नहीं कर पा रहा भाई यार इसको कितनी गर्मी लगती होगी उन बालों में पूरा इतने बाल निकले थे आपने भी देखा होगा इतने बाल निकले एक कम्बल बन जाए उसमें इतने बाल निकले थे इसके और बेचारा परेशान होता था तो भाई इस चक्कर में बाल कटा दिए अब ठीक है अब बिल्कुल खुशी से रह रहा है ये एसी में भी सोफ़ा इसने कब जा लिया अब सोफ़ा पे बैठता ही है पता नहीं मेरी आवाज़ अब तक आ रही होगी नहीं आ रही होगी भाई क्योंकि हल्ला मच रहा है वहाँ पे और बाकी आपको मैंने छोटा सा क्लिप भी दिखाई इसकी कि इनके यहाँ ऐसे ढोल वोल बज रहे हैं ऐसे नाच वाच रहे हैं अब कल शादी है कल देखो मम्मी और मैं जाएंगे इनके यहाँ बाकी वो लोग तो बना नहीं पाऊँगा क्या पता
उसके बाद मैं भाई अब देखो अब व्लॉग एंड करता क्योंकि भाई 10:30 हो गए, अब कहीं जाना वाना तो है नहीं मेरे को। व्लॉग एंड करते हैं अब, तो व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या पार्ट अच्छा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो भाई चलते हैं, लव यू, टेक केयर, बाय, ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय, ठीक है।